मैं अब्दुल्ला, मैं असद याकूब। आप जो है दोस्तों, आपका और हमारा अपना रक्षण यूट्यूब चैनल में कहते हैं सब ठीक है, कोई व्यवस्था मुस्कुराते रहना चलते हैं दोस्तों। आज के वीडियो में अब स्टैंड विद बलोच बलोचिस्तान बलोचिस्तान तो देखते हैं दोस्तों पहले वीडियो प्लीज पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो है और बलूचिस्तान वर्सेस पाक आर्मी, आबिद अली स्टैंड विथ महरंग बलोच प्रोटेस्ट। चले भाई, बाकी लोग तो कोई वीडियो नहीं बना रहा था लेकिन सोएब भाई ने वीडियो बनाया बलूचिस्तान के ऊपर और इसके लिए उन्हें दाद देनी चाहिए और इसके लिए उनकी तारीफ भी बनती है। और आबिद भाई ने अगर कहा है, आबिद भाई आकर इस पर बयान दे रहे हैं, तो आबिद भाई को भी तारीफ बनती है उनकी भी, और उनको भी बधाई देना चाहूँगा कि कम से कम बलूचिस्तान की ये लोग बात तो कर रहे हैं, बाकी कोई चैनल बात नहीं कर रहा है। नहीं, मुझे लगता है कि मेन स्ट्रीम पे भी बहुत हल्की फुल्की खबरें आ रही हैं और यूट्यूबर तो और कोई बात कर नहीं रहा इस पे। तो चलिए देखते हैं कि क्या बातचीत हो रही है। आबिद भाई ने भी ये बोला कि भाई अगर आपने वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड करें। बलूचिस्तान की जो इस टाइम सिचुएशन है, हजारों, मैं कहूंगा शायद लाखों की तादाद में लोग प्रोटेस्ट के लिए बाहर निकले हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट के अगेंस्ट, पाकिस्तान के अदारों के अगेंस्ट। इसी के ऊपर बात करेंगे आबिद भाई से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आबिद भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। लेकिन चोर साहब, आज कोई अच्छी खबरें नहीं है ना अच्छी खबर की उम्मीद रखना। और आपको आइडिया होगा कि इस बलूचिस्तान के मामले के ऊपर सब अपने मुंह बंद करके और खामोशी से बैठे हुए हैं। ये पहला पाकिस्तानी और पंजाबी होगा आबिद अली जो इस मामले के ऊपर खुल के बोलेगा और आपको बताएंगे। और हमारे ऊपर बड़ी सख्तियां भी आती हैं, बड़े मामलात भी आते हैं, लेकिन हमने वादा किया हुआ है कि आपसे सच बोलना है और सच्ची बात आपको बतानी है। देखें शुएब भाई, बलूचिस्तान 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 तो बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन आपको ये पता है कि बलूचिस्तान में आज क्या हो रहा है? आज आप इस चीज को देखो कि हमारे सिक्योरिटी अदारे और अवाम ये आमने सामने आ चुकी हुई है। आप देखें हमारे जियो न्यूज निकालें, समा निकालें, कोई भी टीवी निकालें, उसके ऊपर खबर यही चल रही है कि हमारी फौज और अवाम ये आमने सामने हो चुकी हुई है। मुझे ये बताएं कि शुएब भाई, बलूचिस्तान ने क्या कर दिया, कैसी बात होगी? महरंग बलोच की बात करें, आप सबसे पहले महरंग बलोच को बीच में लेके आए। आज से चंद महीने पहले जब थरथराती हुई ठंड थी, आपको आइडिया है, बल्कि आपको तो बहुत ज्यादा आइडिया है कि ऐसी ठंड में ये 60 से 62 दिन ये लोग इत्तेजाज किया, ये धरने पे बैठे महरंग बलोच के साथ सारे, इन्होंने इनकी कॉल के ऊपर इस्लामाबाद में बैठे। अच्छा, उधर पाकिस्तान के बहुत टॉप जर्नलिस्ट जिनका नाम है हामिद मीर साहब, वो भी उधर गए, उन्होंने भी महरंग बलोच के और बलूचिस्तान के लोगों के हक में प्रॉपर इत्तेजाज के साथ बात की। लेकिन सबसे बड़ा क्रेडिट मैं आपको देना चाहूंगा चोई साहब इधर इस चीज को लेके, ये किसी की तारीफ नहीं मैं कर रहा, ना मुझे किसी की तारीफ करने का शौक है, जो सच है वो बता रहा हूँ। देखे, मैं बलूचिस्तान को साइड पे करता हूँ, पहले कश्मीर को बीच में लेके आता हूँ। आजाद कश्मीर पाकिस्तान साइड पे जो कश्मीर है, उधर इत्तेजाज के मामला चल रहे थे, शुएब चौधरी उधर गया, शुएब चौधरी ने जाके वक्त से पहले वीडियो बनाई, उधर जाके लोगों के मामला बताए, लोगों की बातें बताई कि लोग क्या चाह रहे हैं और प्रेडिक्ट किया, बताया कि अगर ये इनकी बात ना सुनी गई तो ये कल को प्रोटेस्ट होंगे। चौधरी साहब ने उधर जाके प्रॉपर वीडियो बनाई, लोगों की बातें सुनाई कि लोग क्या चाह रहे हैं। फिर इन्होंने एक मैसेज दिया, उस मैसेज में शुएब चौधरी ने बताया कि अगर आप इनकी बात नहीं मानेंगे तो ये इत्तेजाज बढ़ सकता है, ये मामला बढ़ सकते हैं, लेकिन मैं अपनी गवर्नमेंट से बात करना चाहूंगा, आपने वो बात नहीं मानी। शुएब चौधरी उधर गया इस्लामाबाद, महरंग बलोच के इत्तेजाज में प्रॉपर ये शरीक हुआ उनके साथ, इत्तेजाज किया शुएब चौधरी ने, लेकिन गवर्नमेंट के दिमाग में वो बात नहीं गई। आज महरंग बलोच ने बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ी कॉल दी, उस कॉल की वजह से हजारों लोग सड़कों पे निकल आए, हजारों लोग घरों से निकल आए, इवन के मैंने ये भी देखा है कि हमारे सिक्योरिटी। बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन इस पर थोड़ी सी मेरी नाराजगी है, मैं कहूंगा। मुझे याद है कि सोएब भाई तब गए थे जब वहां पे धरना शायद खत्म हो गया था या आखिरी दिन था, अगर मैं मुझे अच्छी तरह याद है तो। और मुझे ये भी अच्छी तरह याद है कि मैंने करीब 10-12 दिन लगातार मैंने बलूचिस्तान पर वीडियोस बनाए थे और उसमें लगातार ये सवाल किया था कि पाकिस्तान के यूट्यूबर्स बाकी जगहों पर तो चले जाते हैं, मंदिर गिरा तो चले गए, यहाँ प्रॉब्लम हुई चले गए, वहाँ प्रॉब्लम हुई चले गए, जहाँ पर इंडिया की बात होती थी वहाँ पर चले जाते थे, जिसमें सोएब भाई भी शामिल हैं। सोएब भाई, अगर आपको बात बुरी लगेगी तो मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन जो बात सच है वो बोलनी पड़ेगी। लेकिन आप शायद आखिरी दिन पहुंचे थे या धरना खत्म हो रहा था तब आप पहुंचे थे, जो भी व्हाटएवर जो भी था, या उसके पता बिल्कुल आखिरी दौर में यहां पहुंचे थे, तब भी आप पहुंचे, आपने वीडियो बनाया, आपने बात की
और अक्सर मैं अपने दर्शकों को कहता हूं कि आप बलूचिस्तान की बात करते हैं, इसमें कोई ढकी छुपी लुकी बात नहीं है कि मैं अगर जो आपने काम किया है उसके बारे में आपको न बताऊं या दर्शकों को न बताऊं, आपने किया है, लेकिन बाकी कोई यूट्यूबर नहीं पहुंचा, नहीं पहुंचा यूट्यूबर, बड़ा मुश्किल था और आखिरी दिन सबको बताया कि अब तो हो गया मामला। ये याद दिलाने का मकसद इसलिए है कि मैंने जब 10-12 दिन 15 दिन लगातार बलूचिस्तान के ऊपर वीडियोस बनाए थे और लोगों ने देखा कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, एक तो आवाज उनकी सुनी गई, नहीं सुनी गई वो अलग बात है, लेकिन दुनिया तक उनकी आवाज पहुंची। और उस वक्त भी मैंने कहा था, बहुत सारे पाकिस्तानी मुझे सैकड़ों की संख्या में गालियां दे रहे थे मेरे कमेंट्स में कि देखो कुछ नहीं होगा और सब हो गया, इंटरनल मैटर है और ये है, तब भी मैंने उस वक्त कहा था कि इंटरनल मैटर नहीं रहा पाकिस्तान का, ये इंटरनेशनल मैटर बन चुका है, लेकिन तब भी लोगों ने ध्यान नहीं दिया। और तब भी मैंने कहा था कि ये आग शांत नहीं हुई है, महरंग बलोच खाली हाथ जा रही है, लेकिन इसका बड़ा इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा आने वाले वक्त में। और देखिए कुछ ही महीनों बाद, 6 महीने 8 महीने जो भी कह लीजिए आप, 6 महीने कह लीजिए, 6 महीने में ही इंपैक्ट दिख गया। आज ग्वादर में आपकी आर्मी ने हर कोशिश कर ली, ग्वादर में फायरिंग हुई है, गोलियां चलाई गई हैं, मासूमों की जान गई है इसमें, लेकिन उसके बाद भी बलोच पहुंचे हैं और आज बलोच खुलकर खड़ा है सामने। याद करिए आज से 6 महीने पहले मैंने क्या कहा था, आप जाकर मेरे पुराने वीडियो सारे चेक कर लीजिए, अभी भी ये पड़े हुए हैं। मैंने कहा था कि ये आग भड़केगी, अब देखिए भड़क गई। और फिर कह रहा हूं, मेरी बात आज नोट करके रख लीजिएगा, ये जो आग भड़की है ये अभी इसका रिजल्ट नहीं आएगा, इसका रिजल्ट आएगा अभी आगे। और मैंने कहा कि इंटरनेशनल मामला हो चुका है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, उसने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, उठाने हैं ना, इतनी बड़ी संस्था है वो उठा रही है, इंटरनेशनली पहुंच गया मामला। ग्रेटा थनबर्ग इतनी बड़ी ह्यूमन राइट या एनवायरमेंट की वो है, उसके लिए काम करती है, उसने भी कहा कि मैं बलूचिस्तान के लोगों के साथ हूं, सबके स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं। आपकी मलाला यूसुफजई, आखिरकार उनको भी कहना पड़ा, जब शायद कुछ फंडिंग वंडिंग हुई होगी उनको भी कहना पड़ा, अब जो भी है मतलब उनको भी कहना पड़ा कि मैं बलूचिस्तान की बहनों के साथ हूं। अब ये मामला निकल गया है ये इंटरनेशनली, अब देखिएगा थोड़े दिनों में यूएन पर इस पर बात होने वाली, आप लिख के दीजिए इस पर यूएन में बात होगी। सिक्योरिटी के जो लोग हैं, जो गाड़ियां आ रही थी ना, 100-200 गाड़ियां जो आ रही हैं प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए, जो गाड़ियां आ रही थी उनके टायरों पर डायरेक्ट गोलियां मारी गई हैं कि उनके टायर पंचर कर दिए कि ये लोग आगे तक ना पहुंच सके। शुएब भाई मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि बलोचिस्तान वालों की रिक्वायरमेंट क्या है यार, वो मांग कह रहे हैं, वो अपना हक मांग रहे हैं, कोई आपसे कोई बुरी बात तो नहीं मांग रहे, वो सबसे पहले मांग रहे हैं कि मेरा बाप कहाँ है मुझे वो बताओ, मेरा भाई कहाँ है मुझे वो बताओ, जिनके बाप और भाई बहनें जो बच्चे बूढ़े जो कई सालों से मिसिंग है मिल ही नहीं रहे, अगर वो अपने बाप का पूछते हैं तो आप उनको मारेंगे, उन्हें पकड़ेंगे। फिर सबसे बड़ी बात बलूचिस्तान के लोग जो करते हैं वो ये कहते हैं कि यार गैस हमारे यहाँ से जाती है, हमें गैस सस्ती दी जाए या बहुत ज्यादा रिलीफ दिया जाए, यही बात कश्मीर वाले करते थे कि बिजली हमारे यहाँ से जाती है, आपने कश्मीर वालों को रिलीफ दिया है ना, तो इन्हें रिलीफ देते हुए आपको क्या मसला है, कौन सी अना के ऊपर बात आगे खड़ी होगी हुई है शुएब भाई, मुझे ये बताएं। ये चीज यार दूसरे नंबर पे अगर बलोचिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का एरिया के हिसाब से 42% बलोचिस्तान है, और फिर जो हम ये कहते हैं इतराते हैं या फख्र करते हैं प्राउड करते हैं कि भाई पाकिस्तान सोने की चिड़िया, जो अक्सर लोग कहते हैं, हालांकि हिंदुस्तान को कहा जाता था लेकिन हमारे यहाँ कहा जाता है कि पाकिस्तान सोने की चिड़िया है, और वो किस वजह से कहते हैं, वो इस वजह से कहते हैं कि भाई हमारे वहाँ पे सोने के जहायर मौजूद है बलोचिस्तान में, कोयले के जहायर मौजूद है हमारे वहाँ पे, सुई गैस हमारे पास पता नहीं कौन कौन सी मादनियात मौजूद है, एक साइड पे हम बलोचिस्तान पे फख्र करते हैं, दूसरी साइड पे बलोचिस्तान के जो लोग हैं वो अपना हक मांगते हैं तो उनकी गाड़ियों के टायर फाड़ देते हैं। मुझे ये बताएं पाकिस्तान में जो ट्रेंड चला हुआ है फलस्तीन को लेके, ठीक है, कश्मीर को लेके, जिसमें कहा जाता है कश्मीर में जुल्म हो रहा है, फलस्तीन ये बड़ा ट्रेंड चला हुआ है आजकल, देखिए हो भी रहा है उधर, जुल्म हो रहा है फलस्तीन में हो भी रहा है, हम वो वाली बात नहीं कर रहे, हम बात ये कर रहे हैं कि आपके घर में अमन है, आपके बलूचिस्तान में सुकून है। फलस्तीन से याद आया, इसराइल ने अपना एक और वादा पूरा कर दिखाया है, हमास के लीडर को निपटा दिया उसने, हमास के लीडर को निपटा दिया उसने, स्क्रीनशॉट लगा दिया है देख लीजिए, और इधर उधर नहीं निपटाया है, ईरान की राजधानी तेहरान में घुसकर मार दिया उसको। यह है इजराइल की ताकत,
जिसके सामने 58 मुसलमान देश निलबटे सन्नाटा हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में, सोचिए कैपिटल सिटी, इतनी सुरक्षा व्यवस्था, इतनी चीजें, घुसकर उसने निपटा दिया। हमास का चीफ गया, अब अगली बारी है एक और उसकी, याह्या सिनवार की, वो भी बिल में छुपा हुआ है, एक बार बच चुका है, अगली बार नहीं बचेगा। ये है इसराइल सर। और आप लोगों को लगता है कि अभी तो मुस्लिम वर्ल्ड में ये चल रहा है, देखो कहां हुआ, 2 महीने से लड़ाई छिड़ी है, 3 महीने से लड़ाई छिड़ी है, कहां जीत रहे हैं। अबे जीत नहीं रहे हैं, वो एक एक बिल को भर के उड़ा रहे हैं, और इसमें तो टाइम लगता है, इसमें टाइम लगता है। इसको अर्बन वॉरफेयर कहते हैं। ये 2 देशों की लड़ाई नहीं चल रही है, ये एक बिल में घुसे चूहों और उनके शिकारियों की लड़ाई चल रही है। और देखते रहिए, अभी तो बोला है नेतन्याहू ने कि हमास का सफाया करते हैं, वाइप आउट कर देंगे इस धरती से, फिर बाद में पैदा होते रहेंगे अलग बात है, लेकिन एक बारी तो पूरा साफ कर देंगे ना। तो वो वही काम चल रहा है, तो एक निपटा दिया। अब सोचो उसकी एजेंसी, उसकी सिक्योरिटी एजेंसी, उसके उसके लोग कितने पावरफुल हैं, कि ईरान के घर में घुसकर, उसकी राजधानी में घुसकर शनिवार को टपका दिया, जहां शनिवार को नहीं, दूसरे वाले को, जिसको लग रहा था कि बड़ा सेफ है ईरान के अंदर, तेहरान में बैठा हुआ तो कोई नहीं मार सकता, इसराइलियों ने ठोक दिया। पहले बलूचिस्तान में अमन लेके आए, पहले बलूचिस्तान की बात करें, फिर कश्मीर की बात करें, फिर फलस्तीन की बात करें। अपने घर में सुकून नहीं है, फलस्तीन की आप बातें करते फिरते हो, बलूचिस्तान की आप बात कर नहीं रहे हो। देखो बलूचिस्तान में बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है, मारंग बलोच इस टाइम लीडर बन चुकी हुई है उन लोगों की। इसमें और ये देखें भाईजान, मैं आपको बहुत बड़ी बात करने लगा, बहुत लोगों को ये चीज बुरी लगेगी। देखें बांग्लादेश में आज क्या हो रहा है, आप देख लीजिए वो चीज, वही सारा कुछ बलूचिस्तान में होने लग गया हुआ है। देखें बांग्लादेश वाले कहते हैं कि पाकिस्तानियों ने हमारी बात नहीं सुनी थी 1971 में, और हमने ये कह दिया कि वो तो इंडिया ने साजिश की। जी हां बिल्कुल, कि हमारे पर जुल्म हुआ, और इंडिया ने साजिश क्या की, देखें जो वो क्या नाम है उनका, शेख मुजीबुर रहमान जो है इंडिया जाके, इंडिया की जो उस टाइम वजीर आजम थी उनसे मिलते थे जाके, क्यों मिलते थे, हेल्प करें, कि हमारी हेल्प करें, हमें इधर इंसाफ नहीं मिल रहा। तो अब आप बात करते हैं बलूचिस्तान की, देखें मेरी बात सुने, आप कहते हैं कि बलूचिस्तान में इंडिया मुलव्वस है, इंडिया करवा रहा है ये सारा कुछ, और भाई मेरी बात सुनो, पंजाब में क्यों नहीं करवा रहा इंडिया, इंडिया इधर मुलव्वस क्यों नहीं है, जब आप उन्हें गैस सस्ती नहीं देंगे, उन्हें बिजली सस्ती नहीं देंगे, उन्हें हॉस्पिटल अच्छे प्रोवाइड नहीं करेंगे, उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं देंगे, अच्छे स्कूल नहीं होंगे, अच्छे कॉलेजेस नहीं होंगे, उनका मुस्तकबिल अच्छा नहीं होगा, वो डॉक्टर नहीं बन रहे, वो इंजीनियर नहीं बन रहे, तो वो लोग इत्तिजाज करेंगे, तो हम उन्हें मारेंगे पकड़ के, हम उनके ऊपर जुल्म करेंगे। एक चीज मैंने और नोट की है, अक्सर हमारे जो सेलिब्रिटीज होते हैं, खासतौर पर अगर हम बात करें ड्रामा इंडस्ट्री के जो लोग अदाकार होते हैं, टीवी इंडस्ट्री के, फिल्म इंडस्ट्री के, वो अक्सर इवन हमारे क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान की बात कर लें, बहुत से ऐसे क्रिकेटर हैं, वो कहते हैं बलूचिस्तान के ऊपर शुएब चौधरी बोलेगा या मैं बोलूंगा, और कोई नहीं बोलेगा। ये सेलिब्रिटी जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, क्रिकेटर्स हो गए, मूवीज में, ड्रामों में जो आते हैं, बड़े मशहूर हैं, ये वो बात करेंगे जो सियासत की बात है, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अच्छी लगती है। क्या इन्हें बलूचिस्तान में नजर नहीं आ रहा, क्या इन्होंने बलूचिस्तान नहीं देखा, बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, बलूचिस्तान में इंसान नहीं रहते, अगर इंसानों के साथ जुल्म हो रहा होगा तो कोई भी नहीं बोलेगा, कोई खड़ा। पाकिस्तान में मुझे तकलीफ इस चीज की हो रही है कि पाकिस्तान में सिर्फ हमें इस बात को करने के लिए, और चैनल्स कहाँ चले गए, मेन स्ट्रीम मीडिया कहाँ चला गया, हक दिखाना चाहिए भाईजान। अब इस्लामाबाद में जो प्रोटेस्ट हो रहा था, आप उधर गए, आपने हक दिखाया, उस टाइम गवर्नमेंट की आंखें क्यों बंद हो गई थी, गवर्नमेंट ने वो वही बात मान ली जाती, कुछ हजार क्या, कुछ 100 लोग वहां पे शायद मौजूद होंगे या 1000 लोग कह लें, लेकिन आज 70-80 हजार अगर लोग प्रोटेस्ट के लिए शामिल है, और बहुत से लोग हैं जो शायद घरों से सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत से लोग सोशल मीडिया पे बलूचिस्तान के सोशल एक्टिविस्ट सपोर्ट कर रहे हैं, तो आज अगर बात यहां तक पहुंची है, उसकी रीजन यही है कि भाई उन 1000 लोगों की डिमांड नहीं मानी गई, आज वो 70 हजार हो गए। अब यहाँ पे मैं दो चीजें, क्योंकि ये देखें सोशल इशू है, एज ए सोशल एक्टिविस्ट मैं खुद भी बात करना चाहूंगा, दो चीजें हैं। एक तो ये कहा जाता है कि भाई हम फलस्तीन पे बात कर लेंगे क्योंकि वो पाकिस्तान का मैटर नहीं है, हम कश्मीर पे बात कर लेंगे क्योंकि वो पाकिस्तान का मैटर नहीं है, बलूचिस्तान पे बात करेंगे ये तो घर की बिस्ती है, यानी हम कहेंगे बलूचिस्तान में ना इंसाफी हो रही है, जुल्म हो रही है, तो हम पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे, हम पाकिस्तानियों के पाकिस्तान की इंसल्ट करेंगे। नहीं, नहीं। आप पाकिस्तान को एक्सपोज करने की बात कर रहे हैं, चैंपियन ट्रॉफी की आप मेरे साथ बात करें ना, कि चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया की टीम पाकिस्तान में क्यों नहीं आना चाह रही। देखें जब बलूचिस्तान में ये मामला हो रहे होंगे,
जब कश्मीर में ऐसे मामला हो रहे होंगे तो मुझे बताएं कि इंटरनेशनल लेवल पे इंडियन टीम कैसे पाकिस्तान आ जाएगी या कोई भी टीम होगी वो पाकिस्तान क्या देखें, हम एक्सपोज अपने आप को खुद कर रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं है। आज हमारे मीडिया पे, हमारे जियो न्यूज पे, हमारे समा पे अगर ऐसी खबर चल रही हो कि अवाम और फौज आमने सामने हो गई है तो दुनिया को क्या मैसेज जा रहा है चीज को लेके? हमें तकलीफ है पाकिस्तान को लेके, हमें पाकिस्तान की टेंशन होती है भाईजान। मैं तो हैरान होता हूँ इन बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े जर्नलिस्ट के ऊपर हैरान होता हूँ। बिल्कुल सही बात कही आबिद भाई, और मुझे लगता है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि सोएब भाई और आप लोग जो पारा चिनार में हो रहा है, स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, पारा चिनार में जो हो रहा है उस पर भी बात करेंगे। उस पर एक बहुत लंबा चौड़ा वीडियो मैंने बनाया डिफेंस डिटेक्टिव पर, ज्यादा अगर आपको जानकारी चाहिए तो आपको वहां से मिल जाएगी, वो वीडियो देख लेना, उसमें सारे बातें मैंने कही है। 50 से ज्यादा शिया मुसलमानों को वहां पर मार डाला गया है, ना सरकार जा रही है रोकने, ना वहां पर सुरक्षा एजेंसी जा रही है रोकने, ना पुलिस वाले जा रहे हैं रोकने, कुछ नहीं रोकना वहां पर, बिल्कुल लॉलेस की स्थिति बनी हुई है। शिया मुसलमान एक मुसलमान कंट्री में सेफ नहीं, पाकिस्तान जिसका नाम यह इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जिसमें 98% मुसलमान रहते हैं, वहां पर मुसलमान सेफ नहीं है और दिन दहाड़े उनका जेनोसाइड किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इस पर भी आप लोगों को आवाज उठानी चाहिए और इस पर भी आप लोगों को वीडियो बनाना चाहिए। मान होता हूं जो सच नहीं दिखा रहे, देखें आज हमने ये बात की है ना शुएब भाई, इसके रिएक्ट भी हमें मिलेगा, हर एक्शन का रिएक्शन होता है, इसका रिएक्ट हमें मिलेगा और रिएक्ट आपको मिल भी रहा है, हमें नजर भी आ रहा है, लेकिन वो आप हमसे भी बात नहीं करोगे वो अलग बात है। ठीक है, नहीं ये चोट लगी है इसका मतलब मैं उस चीज देखे, वो आप बात जो मर्जी करें लेकिन ऑडियंस को समझ आती है बात, आपको चोट लगी है ठीक है उसके ऊपर खड़े होते हैं हम, लेकिन बात ये कि जो परेशानी और मुश्किलें सच बोलने के ऊपर आती है मैं उस चीज को लेके बात कर रहा हूँ कि देखें आपको इस चीज को देखना है कि आपको सच कौन दिखा रहा है और झूठ कौन दिखा रहा है। ठीक है, ये बलोचिस्तान का इतना सेंसिटिव मामला है कि इसके ऊपर पाकिस्तान के जो टॉप के जर्नलिस्ट हैं वो भी अपना मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मतलब जिन लोगों को, चाहे वो जर्नलिस्ट हैं, चाहे वो मीडिया पर्सन है, चाहे वो कोई सेलिब्रिटी है या आम पब्लिक है, जिन्हें ये लगता है कि भाई पाकिस्तान का, यानी कि अगर हम ये बताएंगे कि बलोचिस्तान में इशू है, बलोचिस्तान में नाइंसाफी हो रही है, तो उसे पाकिस्तान का इमेज खराब होगा, तो उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई देखें आज हम खामोश रहेंगे कि कहीं पाकिस्तान का इमेज ना खराब हो जाए, लेकिन अल्लाह ना करे 6 माह बाद, 1 साल बाद ऐसी सिचुएशन बन जाए कि वैसे ही बलोचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाए, फिर हमारी इज्जत है? मतलब अभी हम इस बात से आबिद भाई खामोश, कुछ लोग ये कहते हैं कि यार ये बेवकूफ है सोएब चौधरी, देखो पाकिस्तान के इंसल्ट कर रहा है, ये देखो बलोचिस्तान का, यानी कल को अलग ही हो जाए बलोचिस्तान, फिर वो इंसल्ट नहीं है जब पूरी दुनिया को। अच्छा मुझे एक चीज बताइए शुएब भाई, अकल और दिमाग तो काम करता है ना इंसान का, ठीक है, हम हर चीज निकाल के इंडिया पे डाल देते हैं, बिल्कुल ये इंडिया की वजह से हो रहा है, ये इंडिया करवा रहा है। देखें मेरी बात सुने, मैं सबसे अपनी गवर्नमेंट से खास तौर पे ये बात करना चाहूंगा, अगर आप कहते हैं कि बलोचिस्तान में इंडिया इन्वॉल्व है, ये इंडिया प्रोटेस्ट करवा रहा है, इंडिया इत्तेजाज करवा रहा है, ये लोग इंडिया के साथ मिले हुए हैं, तो मैं अपने सिक्योरिटी इदारों से ही पूछना चाहूंगा कि आप लोग कहाँ सोए हुए थे? मुझे बताएं ना कि आप इतनी बड़ी पोस्टों पे, इतनी बड़ी सीटों पे बैठे हुए हैं, पाकिस्तान हमने आपके ऊपर सौंपा हुआ है, किस तरह इंडिया इन्वॉल्व हो गया? नंबर वन जज्जी है हमारी, हम नंबर वन लोग हैं, तो नंबर वन लोगों के बीच में इंडिया कैसे इन्वॉल्व हो गया, इंडिया का रॉ कैसे घुस गया, या इंडिया के लोगों ने किस तरह उन लोगों को अपने बस में ले लिया, ये सब झूठ है, ये सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं। देखें अपनी गलती है, सब सुनिएगा। और एक चीज तो मैं इस पर बार बार कहता हूं आबिद भाई, किसी पाकिस्तानी को जो ये बोलता है कि बलूचिस्तान में भारत शामिल है, भारत के लोग हैं, रॉ की एजेंसी उसमें शामिल है, मैं तो ओपन चैलेंज देता हूं कि फिर आपके पाकिस्तानियों के पास तो इतने सबूत होने चाहिए जिस पर हमें आप पकड़ कर ले जाएं भारत को, यूनाइटेड नेशन में हमें आप रगड़ दें, आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में रगड़ दें। आप लोग जाते क्यों नहीं हमारे खिलाफ बलूचिस्तान के ये सबूत लेकर? इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि ये सबूत आप लोग के फर्जी हैं, आप सिर्फ हवाई बात अपनी आवाम को खुश करने के लिए करते हैं, आवाम के दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए करते हैं। भारत कहां थे, भारत कहां थे भाई, तो भारत कहां थे तो आप इसे ले जाकर कहीं साबित करवाकर भारत को इसका दंड क्यों नहीं दिलवाते, भारत को एफएटीएफ की लिस्ट में क्यों नहीं डलवाते, जब इतने कॉन्फिडेंट हैं आप, आपके पास सबूत होने चाहिए ना। लेकिन नहीं, सबूत की बात कोई नहीं करेगा, फिर वहां पर सब बगले झांकने लग जाएंगे, नहीं नहीं मैं नहीं मानता हाथ है बलूचिस्तान में भारत का। आपको लगता है कि पाकिस्तान को कोई मौका मिलेगा, पाकिस्तान को भारत के खिलाफ कोई सबूत मिलेगा और पाकिस्तान चुप रहेगा उस पर? आपको लगता है ऐसा? जिसको लगता है वो महा बेवकूफ आदमी।
अपनी गलती किसी और के सर पे रख देने से ना गलतियां सही नहीं होती, नहीं, नहीं। वो इत्तेजाज सही नहीं होंगे, वो लोगों के प्रोटेस्ट क्या खत्म हो जाएंगे आप इंडिया का नाम ले लोगे। एक चीज ये कहना चाहूंगा, लेट्स सपोज इंडिया के अलावा दुनिया का कोई भी कंट्री की एजेंसी या कोई लोग अगर इन्वॉल्व हैं, हमारी एजेंसी हमारे दारे पकड़े, इंटरनेशनल कोर्ट पे लेके जाएं, उन्हें एक्सपोज करें, बात खत्म है, हम खुद साथ खड़े होंगे। हाँ भाई, किसी भी कंट्री की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान के इंटरनल मैटर पे इंटरफेयर करे, मतलब खासतौर पर इस तरीके से सेंसिटिव टॉपिक पे मैटर पे इंटरफेयर करे, लेकिन हाल ही मैं मुंह उठा के कह दूं कि भाई इंडिया इन्वॉल्व है, इधर लेट्स सपोज लोड शेडिंग हो रही है, मैं कहूँ आबिद भाई आपको पता है जो लोड शेडिंग हो रही है ये इंडिया इन्वॉल्व है, मतलब ये तो एक हमारा मजाक बन जाएगा। तो मजाक बना हुआ है पूरी दुनिया में, देखे ना कि हमारा इमेज क्या जा रहा है। ठीक है, इस टाइम पूरी दुनिया देखें, हमें दुनिया में किसी भी मुल्क में लाइक नहीं किया जा रहा, पाकिस्तानी वर्कर को दुनिया के किसी मुल्क में पसंद नहीं किया जा रहा, इवन के हमारे पासपोर्ट की इज्जत खत्म हो चुकी हुई है, ठीक है। लेकिन जो बची कुची थोड़ी सी इज्जत है ना, उस इज्जत को हम बलूचिस्तान की शक्ल में खत्म कर रहे हैं, उसे हम कश्मीर की शक्ल में खत्म कर रहे हैं। देखें, चाइना एक हमारा अच्छा दोस्त है, ठीक है, महबूब दोस्त है हमारा, अच्छा। आप दोस्ती रखें, हम ये नहीं कह रहे कि चाइना के साथ दोस्ती खत्म कर दें, रिलेशन आप दोस्ती रखें, उसे रिलेशन करें, उसे बिजनेस करें, लेकिन हमारी तकलीफ ये है कि हमारे जो नेबर हैं, चाइना की वजह से या अमेरिका की वजह से हम अपने नेबर्स को क्यों परेशान करें, ठीक है, या क्यों। आबिद भाई, आपकी इस बात का जवाब दिया है हसन निसार साहब ने। हसन निसार ने बताया है कि चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती कैसी है। मैं चाहता हूं कि वो बातें मैं सुनवा दूं दर्शकों को, सुनिए। बात सुनो, छे मीठी समुद्रों से गहरी, आसमानों से ऊंची, दुनिया में कोई दोस्ती मोस्ती नहीं होती, ये याद रखना। मुफादात होते हैं, अपने अपने टारगेट्स होते हैं, उसके मुताबिक कौमें चलती हैं। हजारों मील दूर भी सुपर पावर बारे में नहीं है, होश करो, याद आएंगी कभी ये बातें तुम्हें। They need us. We desperately need them. दोस्ती तल्लुक की ये बराबरी की सतह पे होता है, आम जिंदगी में भी। किसी न किसी हवाले से अगर आपका लेवल मिलता है, अदरवाइज आप चमचे कड़चे तो हो सकते हो, खुशामदी हो सकते हो, दरबारी हो सकते हो। तो ये है पाकिस्तान और चीन की दोस्ती की हकीकत, बाकी आप लोग खुद समझदार। या क्यों उनसे नाराज हो या उन्हें क्यों नाराज करें। और फिर इस चीज को लेकर और है, बलोचिस्तान में सी पैक, मतलब ग्वादर पोर्ट की अगर बात करें, बड़ा बहुत ही, हम ये कहते हैं कि जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा सी पैक का, ग्वादर पोर्ट एक्टिव हो जाएगा, तो पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी। भाई गेम चेंजर कहने को मिलता है, लेकिन बलोचिस्तान की किस्मत नहीं बदल रही, पाकिस्तान की। बलोचिस्तान में मैंने भी आपको आइडिया दिया, आपको समझ नहीं आई बात की, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ठीक है। देखें, उन्हें अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत है, अच्छे ट्रीटमेंट की जरूरत है, अच्छे कॉलेजेस, अच्छे स्कूल की जरूरत। देखें, उनके बच्चों ने जब बड़े लेवल पे कुछ करना होता है ना पढ़ाई के बीच में, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, तो उन्हें लाहौर आना पड़ता है, उन्हें इस्लामाबाद आना पड़ता है, उन्हें कराची जाना पड़ता है। मुझे बताएं, बलूचिस्तान पाकिस्तान में नहीं है। अगर मैं ये बात करूंगा तो मैं बुरा बन गया हूँ, मैं बात हक की करूंगा और हमेशा सच बताऊंगा। देखें, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, जो फैसिलिटी लाहौर पंजाब पाकिस्तान के लाहौर में है ना, वही सारी फैसिलिटी बलूचिस्तान में भी होनी चाहिए। और बलूचिस्तान जनमन जो आपने बात की थी ना, वो सोने की चिड़िया है, लेकिन उसे यूज करना नहीं आ रहा इन्हें, क्योंकि इधर हुक्मरान कोई एक नंबर आता ही नहीं है। कोई एक नंबर हुक्मरान आएगा तो उसके साथ सारी वाम खड़ी होगी ना। और एक चीज प्रोटेस्ट की, बल्कि ये सोने की चिड़िया से याद आया, मैं खबर पढ़ा था, देखने वालों में से बहुत से ऐसे रिसर्चर मौजूद होते हैं, बड़े एजुकेटेड लोग मौजूद देखने वालों में से होते हैं, मुझे बताइएगा कि ये बात गलत है या झूठ है, गलत है या ठीक है, ये बताइएगा कि मैं पढ़ रहा था चाइना को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने दिए हैं कि भाई जितने भी मादनियात, खासतौर पे अगर सोने की बात करें जो बलूचिस्तान में मौजूद है, कॉपर बलूचिस्तान में मौजूद है, या कोई भी ऐसी चीज बलूचिस्तान में मौजूद है, वो पाकिस्तान ही निकालता, वो चाइना आता है अपनी मशीनरी लेके आता है, वो निकाल के चला जाता है। प्रोटेस्ट की एक वजह भी यही है, मेन वजहों में से कुछ एक वजह ये भी है कि बलूचिस्तान के लोग कहते हैं हमारी चीज, हमारा सोना, हमारा कोयला, हमारी गैस, और कोई और यूज करी जा रहा है। तो बात जैनमन है, देखे चाइना होता कौन है, हम चाइना के आगे कितने को मजबूर हुए हुए हैं कि चाइना आके हमारे, वैसे हम कर्जों में फंसे हुए हैं, वैसे हमारे मुल्क में खाने को कुछ नहीं है, लोग परेशानियों में, 40-50 हजार रुपए बिजली के बिल आ रहे हैं, इधर लोग जो है ना अपनी चीजें बेच के यकीन माने, कोई अपनी बाइक बेचता है, कोई अपना टीवी बेचता है, कोई अपने घर की कोई चीज बेचता है, तो जाके बिल अदा करते हैं। तो मुझे ये बताएं कि हमें किस लेवल पे ला के फंसा दिया, ऊपर से बलूचिस्तान को आपने फंसा दिया बीच में, अब बलूचिस्तान की वजह से इमेज जो पूरी दुनिया में हमारा जाएगा और जो मजाक हमारा बनेगा पूरी दुनिया में। हम बांग्लादेश के ऊपर बड़ी बात कर रहे थे कि बांग्लादेश में जो है ना वो शेख हसीना, जो है हसीना वाजिद,
उनके खिलाफ जो है ना बहुत बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा। ये हमारा मीडिया कह रहा था कि उन लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा, बंगाली लोगों को। तो बलोचिस्तान की बात क्यों नहीं करते यार आप, कि बलोचिस्तान के लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा। बांग्लादेश की तो आपने बात कर दी, हो भी रहा होगा उधर मुझे नहीं पता, लेकिन दूसरे नंबर पे अगर आम जैसे मेरे भाई हैं, बच्चे हैं, इनसे अगर पूछे भाई बलोचिस्तान का क्या कहना चाहेंगे, अगर आपसे सिर्फ एक लाइन पूछी जाए कि बलोचिस्तान के बारे में एज ए पाकिस्तानी, एज ए खासतौर पर पंजाबी, क्या आप अपनी ओपिनियन रखते हो? मेरे को इस बारे में कुछ पता नहीं। आपको बलोचिस्तान के बारे में नहीं पता? आपको बलोचिस्तान के बारे में कुछ पता है? मुझे इतना ज्यादा तो नहीं पता, बट जहाँ तक मुझे पता है ना कि ये जो हमारे पाकिस्तान में महंगाई चल रही है, जैसे भाई ने बात की बिल के बारे में, बाकी बिल बहुत हाई आ रहे हैं। ठीक है, अब जिनकी घर की इनकम ही लगा लो 20-30 हजार है, अब ये एक फैमिली है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, हाँ 40 हजार बिल दे रहे हैं, 15 हजार रेंट दे रहे हैं, उसके बाद गैस का बिल अलग है, बिजली का अलग है। चलो छोड़िए, अब बात हो गई यार, बात कहीं और मुड़ गई, बात बलोचिस्तान की हो रही। तो मैं फिर एक बार आबिद भाई और सोहेब भाई आप दोनों को बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोगों ने बलोचिस्तान की बात की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बलोचिस्तान की बात होनी चाहिए, और पाकिस्तानियों को ये लगता है अगर कि आग जो भड़क रही है उस आग के ऊपर बर्तन रखकर उसको छुपा देंगे, तो यकीन मानिए कि वो बर्तन के भी चीथड़े उड़ने वाले हैं। 6 महीने पहले मैंने आप सबको ये बात बताई थी कि बलूचिस्तान में शोले भड़केंगे, और देखिए 6 महीने बाद भड़कने लगे हैं, और ये मामला इतना ज़्यादा आगे बढ़ने वाला है कि आपको आइडिया भी नहीं है कि क्या होगा। और देखिए बलूचिस्तान वालों का तो हक है ना, वो तो आजादी की जंग लड़ रहे हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं वो, क्योंकि पाकिस्तान की फौज ने बलूचिस्तान पर जाकर कब्जा किया था, तो कब्जाई हुई जमीन है, और वहां के जो लोग हैं वो फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो लड़ रहे हैं अपना कब्जा हटवाने के लिए। और कब्जाई हुई जमीन, ये मैं भारतीय होकर नहीं कह रहा हूं, आपके पाकिस्तानी कहते हैं, सुनिए। हम ये देखते हैं कि अगस्त 11, 1947 की जो ट्रीटी है मुस्लिम लीग और कल्लात की रियासत के दरमियान, उसमें मुस्लिम लीग इस बात को एंडोर्स करती है कि आप एक आज़ाद रियासत के तौर पे एग्जिस्ट करेंगे और हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। इसीलिए 15 अगस्त 1947 को रियासत कल्लात अपनी आज़ादी का दिन मनाती है। आगे बढ़ के अक्टूबर 1947 की अगर बात की जाए तो खान कल्लात कराची का विज़िट करते हैं, बलोच कम्यूनिटी वहाँ पर उनको वेलकम करती है बड़े नंबर में, लेकिन कोई डेलीगेशन पाकिस्तान का मौजूद नहीं होता। उससे उनको लगता है कि शायद ऑफिशियली मुझे रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे कि मैं एक आज़ाद रियासत का सरबरा हूँ। ये वो विज़िट है जिसमें जना साहब पहली बार खान कल्लात को कहते हैं कि आप पाकिस्तान का फॉर्मली हिस्सा बन जाइए, जिससे वो इनकार करते हैं, इनसिक्योर हो जाते हैं, इनसिक्योरिटी में ब्रिटिश गवर्नमेंट से फ़ोर्स और सिक्योरिटी मांगते हैं जो उनको नहीं मिलती। और उसके बाद वही होता है जिसका खान कल्लात को भी शायद डर था, क्योंकि मार्च 1948 में पाकिस्तान की तरफ से वहाँ पर पसनी, जीवनी और तुर्बत में जाकर एक ऑपरेशन किया जाता है और वो इलाके पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम आ जाते हैं। तो आप ये तसव्वुर कीजिए कि दरमियान में रियासत कल्लात और चारों तरफ हमने ये देखा कि पाकिस्तान का तसल्लुत कायम हुआ। तो ये सूरत हाल देखते हुए खान कल्लात ने यही दरुस्त समझा कि बजाय कि हम मज़ीद रजिस्ट करें, अपने रिसोर्स को एग्जॉस्ट करें, तो पाकिस्तान का एक्सेशन डॉक्यूमेंट उन्होंने साइन कर दिया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इससे जो वहाँ पर आवाज़ें थीं इस एक्सेशन के ख़िलाफ़, जैसे इससे पहले वहाँ की असम्बली से रेजोल्यूशन पास हो चुकी थी कि हमने आज़ाद रियासत रहना है, वो दब जाएंगी, वो नहीं दबी। जो ही पाकिस्तान बना, एक मसला तो बलूचिस्तान में पैदा हो गया। बलोच ने यह कहा कि हम तो पहले से मुसलमान थे, अब हमें क्या ज़रूरत एक अलग मुल्क बनाने की। तो जिना साहब ने उसी वक्त ये कहा था कि खान कल्लात से कि ये तुम्हारी अलग रियासत होगी। खैर बाद में फौज को भेजना पड़ा, वो बात उधर ख़त्म हो गई। उन्होंने सच्ची बात यह है कि वादा खिलाफी की, जिना साहब ने वादा खिलाफी की, और बलोच आज भी हमें इस बात की याद दहानी कराते हैं। तो इन दोनों की बातें सुनी आपने, एक सैयद मुजम्मिल थे जो पाकिस्तान के जाने माने जर्नलिस्ट हैं, और एक परवेज हुदबॉय थे जो पाकिस्तान के जाने माने साइंटिस्ट, न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हैं। अब ये लोग तो झूठ नहीं बोलेंगे ना, और ये तो डॉक्यूमेंटेड है भाई। जिस पाकिस्तानी को शक हो कि पाकिस्तानी फौज ने बलूचिस्तान पर कब्जा नहीं किया, वो कोई ऐसी चीज लाकर मुझे दिखा दे जिसमें लिखा हो कि कब्जा नहीं किया हो। और आपके पाकिस्तान में 1000 ऐसे सबूत मौजूद हैं जिसमें साफ क्लियर है कि कब्जा किया था उस पर, तो वो तो आजादी की जंग लड़ रहे हैं, वो फ्रीडम फाइटर्स हैं। रही बात
मेहरंग बलोच की और बाकी लोगों की, तो देखिए कोई भी चिंगारी को शोलों में बदलने में और शोले को भड़कने में और भड़क कर रिजल्ट निकालने में टाइम लगता है। अब ये धीरे 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 पिछले 76 साल से ये चीजें बन रही हैं, अब वो रिजल्ट की तरफ बढ़ रही हैं और रिजल्ट पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होने वाला, यकीन मान। और अगर अफगान तालिबान का सपोर्ट मिल गया ही नहीं तो ये बलूचिस्तान को अलग करा लेंगे। आप देख लीजिएगा, आप कितनी भी फौज से आप चाहे जो मन करे वो कर लें, मामला गड़बड़ा जाएगा। बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं मैं कोई गलत बात बोल रहा हूं तो कोई बात नहीं, कुछ साल बाद बात करेंगे। जैसे भी 6 महीने बाद फिर बात की ना, उस समय भी लोग मुझे गालियां दे रहे थे पाकिस्तान से। मैं कह रहा था कि ये बात बढ़ेगी, बड़ा स्वरूप ले लेगी, ये छोटी चिंगारी अब इस्लामाबाद में, ये जाके उधर बड़ी चिंगारी बनेगी बलूचिस्तान में। देखिए बन गई ना चिंगारी, अब शोलों में बदल गई है। चलिए दोस्तों, आप बताएं कमेंट करके आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जो दोस्तों वीडियो होगी खत्म। आबद अली ने जो बातें की हैं उसने बातें ठीक की हैं। बलूचिस्तान के अंदर जो ना हक उन पर जुल्म हो रहा है वो बंद होना चाहिए। मैं भी इसके हक हूँ, मतलब कि ऐसा जुल्म मैं उसको जुल्म ही मारूंगा जब उनको हकूक नहीं दिए जाएंगे। और हकूक को देने की बजाय उनको आप मतलब घसीटेंगे गलियों में चुनावों में, तो वो जुल्म ही है। आप देखें ना बलूचिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा माल नियात अगर मिलती है तो हम उनको देते क्या क्या देते हैं? अच्छा माल नियात तो निकलती है भाई राम, तो आपको भी पता होगा कितने फीसद वो टैक्स देते हैं। बिजली का बिल कितने फीसद देते हैं? सिर्फ कितने फीसद टैक्स देता है? बिल बिजली कितने फीसद देता है? KPK वाले बिजली का बिल कितने देते हैं? कश्मीर वाले बिजली का बिल कितना देते हैं? सारे का सारा जो है ना मेरा बर्डन वो हम पंजाब वाले सहते हैं। सहूलियात अगर है तो सबसे ज़्यादा मेरे भाई टैक्सेस और बिजली के जो अखराज इजाफी हैं वो भी हम पर पड़ते हैं पूरे मुल्क के। देखें वो बात तो आप बिल्कुल सही है, और बलूचिस्तान की बात की जाए तो वहाँ पर फिर बड़े अक्सर शुरू से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पहले छोटे लेवल पर थे और अब जो है ना सब लोग इकट्ठे हो चुके हैं। तो इनको लीड करने वाले जो हैं वो मेरे महरम बलोच, डॉक्टर महरम बलोच जो कि इस्लामाबाद में भी आए थी 4-5 महीने पहले आई थी और यहाँ पर काफ़ी दिन बैठ कर उनका कोई जो है उनको इंसाफ नहीं मिला, कोई अदालतों ने इंसाफ नहीं उनको दिया और बेचारी बैठ कर वापस बलूचिस्तान चले गए। उनका मुतालबा कोई असर ये था, उनके पास पिक्चर थी, तस्वीरें थी, वो कहती थी हमें और कुछ नहीं चाहिए, जो हमारे प्यारों को आपने उठाया, हमारे रिश्तेदारों को उठाया, किसी का बाप था, किसी का भाई था, किसी का शौहर था, तो किसी का कोई मामू था, किसी का चाचू था, तो आप हमें इतना बता दें उनको मार दिया या जिंदा, अगर मार दिया तो उनकी हमें कब्र जो है वो दिखा दें, तो ये उनका मुतालबा था। तो वो भी उनको पहला वहाँ से भगा दिया गया है, उनके साथ बस लुकी की गई है और सर्दियों की रातों में उन्होंने बेचारे रातें जो है वो बाहर खुले आसमान पर उन्होंने गुजारी हैं। तो ये जुलम और क्या है, वो भी पाकिस्तानी है, हम भी पाकिस्तानी हैं। आपकी बातें ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि गलत है, लेकिन बलूचिस्तान की तारीख में उनका सबसे उनके लिहाज से सबसे जो ताकतवर जो लीडर था ना मेरे भाई वो था अकबर बुगती, सुल्तान अकबर बुगती। और सुल्तान अकबर बुगती का रास्ता था गलत मेरे भाई, क्योंकि स्टेट को कभी भी चैलेंज नहीं करना चाहिए, स्टेट को सीधा कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर मेरी बात सुन ले चाहे क्या करें, फिर जब स्टेट आपकी स्टेली माँ बन जाए फिर क्या किया, क्या किया था मुझे ये बता। जब कालाबाग डैम बनाने की तजवीज़ पेश की गई और उसको तैयार भी किया गया, उस पर मशीनें फिट करने का टाइम आया, अच्छा तो इन स्टेट के खिलाफ जो प्रोपेगंडा हुआ उस कालाबाग बाग डैम को ना बनने दिया, उसमें हुकूमत मुलव्वस थी, उसमें अपोजिशन के साथ मिलकर इन सब लोगों ने साथ दिया। नुकसान किसका किया? अपना भी किया और पूरे मुल्क का भी किया। भाई हम ये नहीं कहते कि वो इतने अच्छे हैं, वो भी बहुत ज्यादा कह लें कि जो वहाँ के हैं भाई रहमतुल्लाह, हम जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है ना आर्मी वाले करते हैं, आर्मी वाले भाई स्मगलिंग नंके की चोट पर करते हैं, ये सारी दुनिया को पता है।
लेकिन तब तक कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ जब तक आर्मी वालों ने इनके लिए वो राय खोल रखी थी कि आप भी खाएं हम भी खाते हैं, ठीक है दोनों मिलकर करते हैं समग्री। जब आर्मी वालों ने अपना रास्ता बंद कर दिया इनके लिए तो तब इन लोगों ने चीखना चिल्लाना शुरू किया। इन लोगों को खाने की जब भूख लगी और पीने को पानी ना मिला तो तब ये लोग प्रोटेस्ट के लिए उठे। भाई इस वक्त तो आवाम और फौज आमने सामने है गवादर में पूरे मैं हुकूमत से कहता हूँ, हुकूमत वक्त से भी और अपने जो हमारे सिक्योरिटी इदारे उनसे भी कि स्टेट के खिलाफ कोई भी ऐसा एक्शन नहीं होना चाहिए, ना आवाम को खड़ा होना चाहिए और ना स्टेट को हद धर्मी करनी चाहिए। मैं इस बात पर एग्री हूँ। अच्छा यार देखें कि मुझे अच्छी बात है लोग साहब ने इसको वीडियो पॉइंट आउट किया इन बातों को, मैं इसको बुरा नहीं कहता। आप वो इसे यूएनओ में ले जाने की बात कर रहा है, मेरे मुंह से कोई अजीब बात निकल जाए, आपके इतने सालों से मणिपुर का जो स्कैंडल चल रहा था उसको आप यूएनओ में क्यों नहीं ले जाते? और यार जो मणिपुर है सर वो एक सीटों का स्कैंडल था, वो ये नहीं था कि आप उनको पूरा हकूक नहीं दे रहे या आप उनको सलब कर रहे हैं हकूक, डिफरेंस है कभी डीप में जाए क्या वहाँ पर झड़पे नहीं हुए आपस में स्टेट की और उन लोगों की? स्टेट के मतलब ये नहीं है कि फौज या उधर लोग हैं, नहीं यार उधर के लोग जो हैं वो भी आपस में मतलब हुए हैं, सिर्फ उस मेन मुद्दा जो सामने निकल जाता वो था उधर के जो सीटों का कोई वैकेंसी का मसला था, वो ये मसला नहीं था। अच्छा देखें कि वो कह रहे हैं कि जो बलोचिस्तान है वो दुरुस्त कर रहा है, जो वहाँ पर अभी लोग हैं वो तो कहेंगे प्रोटेस्ट की जो है ना वहाँ पर वो दुरुस्त कर रहे हैं, उनका हक है। तो मेरे ख्याल से आपको फिर अपना भी अपनी तरफ भी देखना चाहिए। आप जो कह रहे हैं कि अगर आपके इलाके मतलब कि आप अगर कोई कंट्री में ऐसा करता है तो आप तो उसको उसका मतलब भी चेंज कर देते हैं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल यार सबसे बड़ी मिसाल उसकी वो सिख है, आप वो चेंज करते हैं क्या आप चेंज करते हैं? नहीं नहीं वो सिख मानते नहीं खालिस्तान के जो वो खालिस्तान में होते हैं। सेम ऐसे मैं बताता हूँ, सेम ऐसे जैसे हम बम ब्लास्ट करने वाले को मुसलमान नहीं मानते। वो मेरी बात सुने वो बम ब्लास्ट कर डिफरेंस भी देखे यार अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बात करने दो। अगर उसने बम ब्लास्ट किए, उसने गलत तहरीक चलाई है, उसने फसाद डाला है, उसने स्टेट ऑफ हिंदुस्तान के खिलाफ बहुत बुरा किया है, तो मेरे भाई सबसे पहली बात तो ये है कि आपने उसे इलेक्शन कंपेन करने का हक क्यों दिया? और दिया तो फिर मेरे भाई वो कौन से लोग हैं जिन लोगों ने उसे सीट जितवाई है वोट देकर? यार ये बात तो मैं भी करता हूँ कि पाकिस्तान तो जहाँ पर वहाँ पर जाने से वोट देने से रहे, या जो ऊपर से लोग हैं कनेडा में बैठे हुए आपने उनका वोट भी नहीं डालने दिया, तो वोट तो हिंदुस्तान के अंदर से पड़े ना मेरे भाई। मैंने भी अक्सर यही बात किया कि इतनी झोल क्यों है कि जब आपको पता है कि एक बंदा आपकी स्टेट के खिलाफ उसको हुकूमत क्यों हक दे रही है कि वो इलेक्शन? मैं उसे भी फ्रीडम फाइटर कहता हूँ मेरे भाई, अपने अपनी कौम के हक के लिए। अच्छा मैं हैरान हूँ पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर कब्जा किया है, ऐसी यार आप क्या अपने जो कश्मीर पर कर रहे हैं वो आप दिन रात वहाँ पर वो क्या है और ये आपको कब्जा नजर आ रहा है? चलो जी खैर मिलते हैं नई वीडियो में।